प्रिय बंधुओं भगनियों, मैं इस समय कल्याणी मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा पतित पावनी माँ गंगा के तीरे हरिद्वार में हूँ। वर्तमान में एक बड़ा संकट हमें दिखाई दे रहा है। इस वैश्विक संकट के समय, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित किया है, हमारे भी देश की अवस्था में एक जागरूकता, सतर्कता और सहयोग रहे, इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है और सभी विचारक, मनीषी, तत्ववेत्ता, अनेक लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, साधु संत, महंत, ऋषि मुनियों ने ऐसा अनुभव किया है कि ये एक संकट का काल है, जब कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व प्रभावी हो रहा है। यद्यपि इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। योग, प्राणायाम, ध्यान, नैसर्गिक जीवन शैली अथवा आध्यात्मिक जीवन अभ्यास ही इसका विकल्प है। हमारी संस्कृति शुचिता की संस्कृति है। यह मृत्युंजयी सनातनी संस्कृति जो अत्यंत पवित्रता और स्वच्छ परिवेश का संदेश देती है, जिसमें प्राय हम कभी हाथ नहीं मिलाते, हम नमस्कार करते हैं अथवा अभिवादन में मानसिक, आत्मिक अथवा वचसा हमारे वाचिक प्रणाम हैं अथवा हम शीश झुकाते हैं। इस दृष्टि से प्राय हमारी संस्कृति आत्म अभिवादन की संस्कृति है। प्राय हम ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश पवित्र रहेगा तो वहाँ ऐश्वर्य, विभूति, विद्या, अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं प्रकट होंगी। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम भीड़ वाले स्थान में न जाएं, हम ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ प्राय संक्रमण अधिक हो सकता है। आप सजग रहें, सावधान रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कितना अच्छा हो कि हम एक दूसरे का सहयोग करें और लंबी यात्राओं से बचें, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहाँ पर संक्रमण हो सकता है। ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा, प्राणी मात्र के हित में होगा। इस समय हम सब एक दूसरे के लिए जिएं और सावधानी रखें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी मानवता की रक्षा हो, मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, हम सभी प्राणी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इस संकट में हम सब एक रहें।